नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, आप सबका स्वागत है चंबा हलचल में। लॉकडाउन के दौरान जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है और सभी काम ठप पड़े हैं, लेकिन इस लॉकडाउन का लाभ जिला चंबा के किसानों ने खूब उठाया है। जिला में इस बार पिछली बार के मुकाबले अधिक मक्की के बीज की बिजाई हुई है और जिला में लगभग 2375 क्विंटल बीज की बिजाई हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि उपनिदेशक चंबा डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए थे, जिसमें किसानों को उनके उत्पादों जैसे मटर, सब्जियों व अन्य उत्पादों को चंबा और पंजाब की मंडियों में बेचने के लिए पास बनाकर बेचने के लिए मदद की गई। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों की बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी प्रशासन की सहायता से किसानों को बीज उपलब्ध करवाए गए और किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग कर खेती करने की सलाह दी गई है। सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि किसानों ने इस लॉकडाउन पर भरपूर फायदा उठाया है और उन्हें उम्मीद है कि इसका असर आने वाले दिनों में मक्की की पैदावार पर भी पड़ेगा। मैं कृषि विभाग चंबा की जो COVID-19 लॉकडाउन के दौरान जो हमारी गतिविधियां रही हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। 24 मार्च से लेकर के और आज तक जो जिला प्रशासन हमारे जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन में कृषि विभाग जो भी मैं उपलब्धियां ही कहूँगा, क्योंकि इस दौरान ना तो कोई स्टाफ हमारा बाहर निकल पाया और ना ही किसान हमारे जो है वो गांव से बाहर निकल पाए। और उस दौरान जो एक हमें ये लगता था कि किस प्रकार से हम किसानों को जो है वो उनकी सेवाएं कर पाएंगे, उनकी सेवाएं ले पाएंगे या अपनी सेवाएं दे पाएंगे हम उनको, तो इस दौरान जो मेन चैलेंज था हमारा एक तो था कि किस तरह से जो है बीज बाहर के प्रदेशों से, जहाँ से भी मतलब डायरेक्टरेट ने जो हमें अलाउ किया था कि वहाँ से बीज आना है, तो वो बीज कैसे यहाँ पे पहुँच पाएगा। और सेकंड ये था कि जो भी प्रोडक्शन है हमारी, जैसे मटर की बड़ी अच्छी उपज थी इस बार, जो एक मिड सीजन था हमारा, तो मिडिल हिल्स की जो थी बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी, वो प्रोडक्शन हम लोग जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन में इसको मार्केट तक पहुँचा पाए और कम से कम हम 5,000 क्विंटल मटर जो है हरा मटर वो चंबा की मंडी और पठानकोट की मंडी, अमृतसर की मंडी में पहुंचा पाए हैं। तकरीबन हर आदमी को, जो भी एक इच्छुक आदमी था, जो किसान था, जो किसानों के समूह थे, उनके समूहों की जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को परमिशन दिला पाए हम लोग और वो पंजाब की मंडियों में जहाँ भी हैं, और बहुत अच्छा उनको रेट भी हम दिला पाए हैं। तो किसान जो है इस वक्त संतुष्ट है कि उनका कोई भी जो प्रोड्यूस थी वो खेत में ख़राब नहीं हुई है। सेकेंडरी बीज का था हमारा कि जो बीज हम लोगों को कैसे हम पहुंचा पाएंगे, तो प्रशासन के सहयोग से डीसी साहब के मार्गदर्शन में हमारे ट्रक जो थे वो हमारे राजपुरा जो सेंट्रल स्टोर थे वो बिना हिचक के यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद फील्ड में भी हम लोगों ने हमें ऑथराइज किया था कृषि उपनिदेशक को कि वो लोग गाड़ियों को फार्मर्स को पासेस जो हैं हम लोग दें, और हम तकरीबन 225 के तकरीबन पासेस जो हैं वो फार्मर ग्रुप्स को थ्रेशिंग के लिए, और उनको एक एडवाइजरी थी, डीसी साहब ने हमें एक एडवाइजरी दी थी और हमने सब तकरीबन हर ग्रुप को जो एडवाइजरी दी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और ये हैंड वॉशिंग का था उनका, और जो यूज़ ऑफ फेस मास्क है ज़रूरी, वो हर किसान तक हमने जो है वो अपने जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी थे उनके माध्यम से पहुँचाया है। 42 के तकरीबन हमारे जो प्राइवेट सेलर्स थे लाइसेंसी, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, उनके माध्यम से हम किसानों के घर द्वार तक जो है हम बीज पहुंचाने में सक्षम रहे हैं। और हम लोग तकरीबन फॉडर का और मक्की का 2000 क्विंटल मक्की का बीज और बाकी 2375 टोटल जो है मक्की और जो चारा है उसके बीज जो हम लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं, जिसमें हमारे 16 सेल सेंटर्स हैं सरकारी और बाकी हमारे 42 के जो हमारे लाइसेंसी सेल सेंटर्स थे डिपो होल्डर्स, उनके माध्यम से हम ये इसमें पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। दूसरा रहा है हमारा कि जो सब्सिडी है इसके ऊपर, जो मक्की की सब्सिडी है, मक्की और जो बीज है दूसरे, उनके ऊपर 80 लाख के तकरीबन जो है हम सब्सिडी इस टाइम तक अनुदान जो हम किसानों को दे चुके हैं।
अब जैसे लॉकडाउन खुल चुका है और फार्मर्स के बीच में भी हमारी आवाजाही जो शुरू हो चुकी है, तकरीबन मक्की की हमारी 50% से ज़्यादा बिजाई जो है मक्की की हमारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात इस बार ये रही है लॉकडाउन के दौरान कि किसान जो था हमारा वो अपने खेतों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाया है। और हम लोग 1900 के तकरीबन हम सोच करके बैठे थे कि 1900 क्विंटल के तकरीबन हमारी मक्की जो है वो लगेगी, मक्की और पौधा। हमारा बीज बड़ा है, 200-300 क्विंटल एक्स्ट्रा बीज लगा है, लोगों ने खेत तैयार किए हैं। और इसके बावजूद भी अभी हम जो लोग जो हमारे के चंबा के जुल्हाड़ा बेल्ट है या ये तीसा के कुछ बेल्ट है, सलोनी के बेल्ट है, वेजिटेबल ग्रोइंग के लिए बहुत सारा एरिया जो लोगों ने वेजिटेबल के अंडर लिया। और इस बार हमें जैसे उम्मीद है कि टमाटर की हमारी जिला चंबा में बहुत बम्पर क्रॉप होने वाली है। हमने के चिनेड़ का एरिया देखा है, चुंडोली का एरिया देखा, इस एरिया में इक्का दुक्का किसान जो काम करते थे, हम पीछे गए हैं, डुल्ला में देखा है, डुल्ला में बहुत सारे किसान जो है दोबारा फिर से काम करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि किसी और सेक्टर में हो ना हो, लॉकडाउन में लोगों का रुझान जो है वो कृषि की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और जिस तरह से अभी प्रशासन भी, केंद्रीय सरकार भी हमारी इस तरह की कोशिश कर रही है कि जो लोग बाहर के प्रदेशों से वापस आए हैं, और अभी हमारी माननीय उपाध्यक्ष महोदय से जो मीटिंग हुई है और हमें जिलाधीश महोदय ने भी एक निर्देश दिए हैं कि हम लोग एक डाटाबेस सा तैयार कर रहे हैं इन किसानों का, जो लोग ये बाहर से आए हैं और एक्टिव लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इनके हाथों को किस तरह से हम लोग जो हैं वो खेती में जो हम काम प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो हम लोग इसी में आज ही भी मैंने मीटिंग रखी हुई है, कल भी हमने अपने स्टाफ की मीटिंग रखी हुई है, इस बारे में हम एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं कि जो लोग जो बाहर से आए हैं, जो किसान हैं, उनका देखा जाएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके खेत हैं, खेत कितने हैं, ज़मीन कितनी है, ज़मीनों में सिंचाई सुविधा है या नहीं है तो उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएं, और फिर वो किस तरह का काम करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर की तरफ काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर की तरफ काम करना चाहते हैं, या हमारे कृषि के जो अलाइड सेक्टर हैं, अगर वेटनरी की तरफ काम करना चाहते हैं, फिशरी है, पिगरी का कोई भी काम करना चाहते हैं। तो हम कृषि के जो संबद्ध क्षेत्र हैं, बागवानी है, पशुपालन है, ठीक है, तो ये लोग हम सारे मिल करके और इस तरह का प्रोग्राम करें ताकि इन लोगों को हम घर द्वार के ऊपर जो है वो रोज़गार उपलब्ध करवा पाएँ, और ये जो मैन पावर है इसका हम अपने प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो है इसका सही इस्तेमाल जो हम कर पाएँ। पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना बीज वितरित किया आपने? पिछले साल हमारा 1950 क्विंटल जो है बीज लगा था, तो हम इस बार 2375 के तकरीबन जो है क्विंटल बीज जो हम लोगों को दे चुके हैं इस वक्त तक। सर अभी कृषि विभाग के पास है बीज बूज का भंडारण, जैसे कई लोग जो लेट हो गए हैं वो लेना चाहे तो? नहीं, बीज हमारे मक्के का बीज तो हमारे स्टोरों पे उपलब्ध है, लेकिन चारे का बीज हमारे पास अभी मेरे को लग रहा है समाप्त हो चुका है, उसकी हमने एक्स्ट्रा डिमांड दे दी है, वो जैसे आता है तो लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सर इसके अलावा विभाग सब्जियों का बीज हमारा जो मटर आगे लगेगा, मटर का हमारा पर्याप्त मात्रा में बीज है, और इसके अलावा हमारे पास जो प्राइवेट जो हमारे सेलर्स हैं जिनको हमने लाइसेंस दे करके रखे हैं, तो जैसे मटर का बीज काफ़ी लोग जो है वो बिना अनुदान के भी लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो क्वालिटी सीड जो है वो किसी भी कीमत पे खरीद लेते हैं। हमारा तीसा का और सलोनी का जो है फ्राश बीन और मटर जो है वो ज़्यादातर हमारे प्राइवेट सेलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, उसका बीज किसी टेक्निकल कारण से जो डिपार्टमेंट नहीं दे पाता है उसको, तो वो लोग हर साल उन लोगों से बीज लेते हैं और काफ़ी मात्रा में बीज जो लगता है हमारा। कितनी गार्डनिंग हुई है सर पिछले साल के मुकाबले इस साल एग्रीकल्चर? इस साल जो हरा मटर है वो 5000 क्विंटल के तकरीबन जो मटर गया है, तो उसका जो एवरेज रेट रहा है वो 18 से लेकर के 22 तक रेट जो है वो पर किलो के हिसाब से ये रहा है, ये लोगों को मिला है।